एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी हमें फाइंड करना है। जब हम कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, तो उस चार्ज की वजह से उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज्ड विथ पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, इनिशियली द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज जीरो। ये समझो चार्ज जो है प्लेट पे कितना है, जीरो। देन नाउ सपोज एट इंटरमीडिएट स्टेज चार्ज ऑन ईच प्लेट is q dash, on each plate is q dash. ये दो प्लेट्स हैं, ये कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा है। इनिशियल चार्ज जीरो था, अब धीमे धीमे चार्ज बढ़ रहा है। सर ये वही प्लेट है ना जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है? नहीं, इसको हम चार्ज करें बैटरी से, वी वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो आपने वो पैरेलल प्लेट लिखा है ना? हाँ, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज्ड विद पोटेंशियल डिफरेंस वी। हम दोनों को चार्ज कर रहे हैं किससे, वी वोल्ट से, मतलब कि हमने इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो धीमे धीमे इसमें चार्जिंग हो रहा है। इनिशियल स्टेज पे दोनों प्लेट पे चार्ज जीरो है, अब किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे समझो दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू डैश। फर्क कितना होगा, एक पे पॉजिटिव होगा, दूसरे पे नेगेटिव होगा। ठीक है, हमें चार्ज कहाँ ले जाना है, जीरो से क्यू तक ले जाना है, याद रखना, मैक्सिमम चार्ज तक इसको ले जाना है। ठीक है, तो इनिशियल जीरो था, बीच में हमने नाम दे दिया क्यू डैश है। In this stage, the potential difference between two plates, is तो potential difference क्या होगा दोनों प्लेट के बीच का, तो देखिए v dash is equal to q dash by c। पता चला कैसे आया ये, क्लियर? Now, the work done to increase the charge up to Q. तो ये work done की फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन V dash into dQ dash, uh,
अच्छा तुमने ये वाली फॉर्मूला तो पढ़ी होगी, W is equal to Q delta V, याद है? हाँ सर, जहाँ डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है? यहाँ पे V dash, और चार्ज कौन सा है? Q। तो यहाँ पे चार्ज Q है नहीं, होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट करके इंटीग्रेशन ले रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से क्यू तक। पता चला ये सबको? सर ये क्यू डैश का नहीं पता था। देखो इस पे चार्ज कैसे चढ़ रहा है? एक साथ नहीं जा रहा, कैसे जा रहा है? जीरो से क्यू। तो हम कैसे करके जा रहे हैं? छोटा छोटा डी क्यू डू क्यू डू क्यू सब लेके जा रहे हैं। तो किसी भी एक स्टेज पे वर्क डन क्या होगा? डी क्यू इंटू वी। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन। हाँ तो आपने इधर dq मतलब dq डैश क्यों लिखा? dq लिख रहे थे ना, क्योंकि हम लोग चार्ज q डैश के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, क्योंकि v डैश q डैश के रिस्पेक्ट में है, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन होगा ही नहीं ना बेटा। ओके सर, जो v डैश में जो चार्ज हम दिखाएंगे तो चार्ज को उसी रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेंगे। गॉट इट? यस सर। जीरो से q सेम, v डैश की जगह क्या लिखेंगे? q डैश / c into dq डैश, 1 by c बाहर, अंदर बचेगा 0 से q, q dash into dq dash। बोलो q dash का इंडिकेशन क्या होगा यहाँ पे? q dash square by 2, q dash का square upon 2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से q तक। फिर क्या पुट करेंगे इसमें? अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट एंड लोअर। तो ये मिल जाएगा 1 by 2 c q square minus 0 square। तो क्या बन जाएगा ये? 1 by 2 square by c। तो हम क्या लिखेंगे? This work done is stored in the form of electric potential energy in capacitor। तो ये बन जाएगा U is equal to half Q square by C। सबको समझ में आ गया बेटा बात? Everyone clear? Yes sir। Yes sir। DW differentiate किया ना आपने जो ये? हाँ, DW यानी छोटा work done। हमें पूरा work done चाहिए तो हमें integration करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात इसमें एक और, नाउ क्यू इज इक्वल टू CV होता है पता है? तो इसमें डालेंगे हम Q is equal to CV, तो U बन जाएगा half CV का square upon C। तो क्या मिलेगा? half CV square। पता चला सबको ये? Yes sir। Clear everyone? Yes sir। Yes sir। या फिर here C is equal to Q by V होता है, ये भी याद होगा। तो इस फॉर्मूला में डाल देंगे U is equal to half Q by V into V square। तो U क्या बन जाएगा? half Q V। got it? तो तुम्हें एनर्जी की तीनों फॉर्मूला याद रखनी है। समझ में बेटा बात? तीनों की तीनों रखनी है। U is equal to half Q square by C, U is equal to half CV square and U is equal to half QV। तीनों की तीनों फॉर्मूला याद रखनी है। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर।
यस सर लिख लो पास लिख के मैसेज करो फटाफट.